इस रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बेल बटन दबाने से आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि डार्क अंडरआर्म्स को हम लाइट कैसे कर सकते हैं। और आई नो मोस्टली सारी गर्ल्स डार्क अंडरआर्म्स की प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। और आज की वीडियो में मैं आपको डार्क अंडरआर्म्स होने के रीज़न बताऊंगी, एक मास्क आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स पे दूंगी, प्लस एक लिक्विड की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ जिसको आपको डेली नाइट में अपने अंडरआर्म्स में अप्लाई करके सोना है। तो डार्क अंडरआर्म्स के रीजंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही रीज़न है जिसकी वजह से अंडरआर्म्स डार्क होते हैं, वो ये है कि आप अपने अंडरआर्म्स का प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। जैसे आप अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं वैसे ही आपको आपके अंडरआर्म्स का भी ध्यान रखना होता है। रेजर यूज़ करना, हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करना, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं और लोग बस ऐसे ही बोलते हैं कि इन चीज़ों का यूज़ करने से अंडरआर्म्स डार्क होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर अपने अंडरआर्म्स को क्लीन कर रहे हैं, जैसे आप अपने फेस को एक्सफोलिएट करते हैं वैसे ही अंडरआर्म्स को भी एक्सफोलिएट करने की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे हमारे चेहरे की स्किन पे डेड स्किन जमती है वैसे ही हमारे अंडरआर्म्स में भी डेड स्किन सेल्स जमते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल काला दिखता है। तो ये रूटीन बना लें कि जब भी आप अपने फेस को क्लिंस कर रहे हैं या स्क्रब कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तो आप साथ ही साथ अपने अंडरआर्म्स को भी क्लीन करें और वही प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने अंडरआर्म्स को भी दें। फिर चाहे आप रेजर यूज़ करें या हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी सबसे पहले हम मास्क की रेसिपी देखते हैं और जो लिक्विड है उसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मास्क बनाने के लिए एक क्लीन कटोरी लें और उसमें हमें एक चम्मच टमाटर का रस चाहिए। मैं कुछ इस तरीके से टमाटर का रस निकाल रही हूँ, आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं। टमाटर का रस स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिससे जितने भी डार्क स्पॉट्स या सनबर्न्स या डेड स्किन्स होती हैं वो बहुत आराम से निकल जाती है। इसके बाद हम हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट लेंगे बेसन। दो चम्मच हमें बेसन लेना है। बेसन बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है और जब स्किन लाइटनिंग की बात आती है तो बेसन से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। डार्क अंडरआर्म्स, डार्क नेक, इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए बेसन बहुत अच्छा होता है और ये इंस्टेंट फेयरनेस देता है स्किन को। अब इसके बाद हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, वो हम एक चम्मच लेंगे। रॉ मिल्क एक बहुत अच्छा स्किन क्लिंजर होता है और ये स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है और ये एक बहुत अच्छा फेयरनेस एजेंट होता है। मतलब अगर हमारे स्किन में डेड सेल्स जमे हुए होंगे तो रॉ मिल्क के यूज से हम डेड सेल्स से छुटकारा पा सकते हैं और हमारी स्किन फेयर हो जाती है। अब इसके बाद हम हमारा जो लिक्विड है वो बनाएंगे। उसके लिए एक क्लीन बॉटल ले लें, ज़रूरी नहीं है कि स्प्रे बॉटल हो। इसमें अराउंड एक चम्मच आप गुलाब जल डालें। गुलाब जल की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज स्किन में जितनी भी इरिटेशन होती है उसे ट्रीट करती है, ठीक करती है और हमें एक क्लियर स्किन देती है। गुलाब जल एक बहुत अच्छा नेचुरल क्लिंजर भी होता है। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस भी विटामिन सी रिच होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और जहाँ स्किन लाइटनिंग की बात आती है वहाँ नींबू का रस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ये जो हमारा लिक्विड है ये भी प्रिपेयर हो गया है। ये जो हमारा मास्क है ये रेडी है और जैसे हम फेस पर नॉर्मली मास्क लगाते हैं वैसे ही अंडरआर्म्स पर भी ये जो मास्क है इसे अप्लाई करना है। अपने अंडरआर्म्स को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है वाटर से एंड देन आफ्टर इसे कुछ इस तरीके से अपने अंडरआर्म्स में अप्लाई करना है, नॉर्मली जैसे हम कोई सा भी फेस मास्क लगाते हैं। और क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा टमेटो जूस डाला है तो हो सकता है आपको हल्की सी जलन हो, बट उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे अप्लाई करने के बाद अराउंड 10 मिनट्स तक आप अपने अंडरआर्म्स में छोड़ दें, फिर उसके बाद उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। इसके ऑल्टरनेटिव्स आप इसमें गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, चंदन यूज़ कर सकते हैं, चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं, दूध पाउडर यूज़ कर सकते हैं, खट्टी दही यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ करके अपने मास्क बना सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें भी स्किन को लाइटन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और ये जो लिक्विड हमने बनाया है इसकी शेल्फ लाइफ है 6 डेज की। आप एक हफ्ते तक इसे अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। डेली नाइट में सोने से पहले आप अपने अंडरआर्म्स को वाटर से पहले अच्छे से क्लीन कर लें, फिर उसके बाद
ये जो हमने स्प्रे या फिर ये जो हमने लिक्विड बनाया है इसे आप अपने अंडर आर्म्स में स्प्रे कर लें और फिर आप सो सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इसे एक कॉटन में लेके अपने अंडर आर्म्स में अच्छे से अप्लाई कर लें और फिर ओवरनाइट के लिए इसे अपने अंडर आर्म्स में रहने दें, क्योंकि हमने इसमें लेमन जूस यूज़ किया है, रोज वाटर यूज़ किया है। ये दोनों चीज़ें स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है। प्लस इसकी हेल्प से अगर आपके अंडर आर्म्स में गंदी बदबू आती है या पसीने की जो बदबू आती है वो भी ठीक होगी, क्योंकि जो लेमन होता है वो गंदी बदबू को ठीक करता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत इफेक्टिव है। इसे आप रेगुलरली यूज़ करिए और इसे हफ्ते में दो बार यूज़ करिए एंड आई गारंटी यू कि विद इन 2 वीक्स जो आपके अंडर आर्म्स हैं वो 2 शेड लाइटर हो जाएंगे। प्लस इन चीज़ों के साथ साथ जब आप अपने फेस को स्क्रब करते हैं या फेस मास्क लगाते हैं तो वही सेम चीज़ स्क्रबिंग आप अपने अंडर आर्म्स की भी करें और वहाँ पर भी फेस मास्क लगाएं, आपके अंडर आर्म्स कभी भी डार्क नहीं होंगे। तो यहाँ मेरा जो ये वीडियो है ये कंप्लीट होता है एंड आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आप लोगों को भी इसके पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो ये वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और उनके भी जो डार्क अंडर आर्म्स हैं वो ठीक हो जाएं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय। फॉलो मी ऑन रोपोसो इंस्टाग्राम, गूगल प्लस एंड फेसबुक। मेरा यूजर नेम है प्रीति प्रणव और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है।